तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिक्की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के किचन में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए बना रही हूँ, देखिए, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता। ये देखिए, स्वीट कॉर्न चाट है और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको बनाती हूँ। बनाने के लिए मैंने यहाँ जो स्वीट कॉर्न ली हो, इसको छील लेते हैं अच्छे से। छीलने के बाद देखिए, ऐसे आप इसको निकाल लें, इसके दाने को। आप इसको या तो चम्मच की मदद से निकाल सकते हो छिलनी की मदद से, या तो चाकू की मदद से, और नहीं तो हाथ से ऐसे ही आप निकालें, थोड़ी सी रब करें तो ये निकल जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको निकाल ली हूँ सारे दाने को, और देखिए दाने कितने अच्छे निकले हैं ये देखिए। और ये आप जब भी ले स्वीट कॉर्न तो थोड़े वाइट रहते हैं वो लें, थोड़ी रेड हो जाने के बाद वो ज़्यादा हार्ड रहते हैं वो दाने, तो ज़्यादा समय लगेगा बनाने में। मैंने यहाँ देखिए पानी उबलने दे दिए थे, उस पानी में इसको डाल दी हूँ। लगभग मैंने 2 कटोरी पानी ली हूँ, 1 कटोरी स्वीट कॉर्न है उसमें। इसको 10-15 मिनट इसको उबाल देंगे मीडियम आंच में, और इसको सॉफ्ट होने के लिए, जल्दी पकने के लिए, चलिए 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। नमक इसलिए कि ये जल्दी से पक भी जाए और इसके अंदर थोड़ी सी नमकीन भी आ जाए चाट के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका नमक डालने के बाद इसका कवर लगा दिए हैं, या तो फिर आप इसको कुकर में हमें 2 से 3 सीटी लगा दो मीडियम आँच में। क्यों इसलिए इसको ज़्यादा पकाना है, क्योंकि आप थोड़ा सा उबाल के अगर पकाते हो तो ये थोड़े हार्ड होते हैं, होने के बाद क्या होंगे कि वो आपको पाचन में दिक्कत करेंगे। किसी भी एज के आदमी आप इसको खा सकते हैं, आप इस तरह से अगर बनाओगे तो बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए यहाँ उबल गया है, इसको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसका देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया उबलने के बाद, देखिए। और इसको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, स्वीट कॉर्न जब भी आप इसको दबा तो आराम से ये दब जाए तब वो खाने में हेल्दी होते हैं। ऐसे भी आप 2 से 5 मिनट ऐसे बोलते उबाल दो तो ये हार्ड होते हैं, वो इस तरह खाने के बाद आपको दिक्कत हो सकता है। तो देखिए, आपको दिखा रही, जैसे इसको दबाऊं तो ये निकलेंगे ऐसे, देखिए देखिए, जैसे इसको दबाए उंगली से, ये अंदर से एक चावल के दाने की तरह और निकल गए, क्योंकि इसके वो मिल्क होते हैं, देखिए देखिए चावल की तरह ये निकल गए। तो इस तरह आप ज़रूर एक बार टेस्ट करके देख लें, ताकि ये ठीक से उबाल जाए। तो आप कभी भी इसको उबाल के रख दो, और उसके बाद कभी भी 5 से 10 मिनट में इसको आप चाट बना दो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसको एक छन्नी की मदद से सारे पानी को निकाल दी हूँ, और देखिए थोड़े बहुत भी अगर बाल बच जाए तो ये क्या होते हैं कि ये देखिए ऊपर में सारे बाल चिपक गए हैं, एक भी स्वीट कॉर्न में नहीं है, ये पानी से बह जाएंगे। ऐसे इसको छानेंगे छन्नी में, एक छन्नी की मदद से इसको छान लेते हैं और अच्छे से इसको छान लें, ताकि ये क्या होंगे जब भी आप इसको चाट बना दो वो गीला ना रहेंगे। तो इसके छन्नी से सारे पानी को इसको निकाल दिए हैं और एक बर्तन में इसको डाल दिए हैं, देखिए। अब इसमें चलिए चाट के मसाले डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, इस मसाले में पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और मैं नमक पहले डाली थी इसलिए यहाँ 1/2 चम्मच से इसमें नमक छिड़क रही हूँ। और उसके बाद इसमें तीखे के लिए मैं लाल मिर्च छिड़क रही हूँ इसमें, यह तीखा वाला लाल मिर्च है। और इसमें अब इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला, क्योंकि चटपटा तो होना चाहिए चाट में। तो फ्रेंड्स, चाट मसाला मैंने 1 चम्मच जैसे यहाँ डाल दे रही हूँ, छोटी चम्मच में 1 चम्मच है, ये बहुत ही चटपटे बनेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें मैं यहाँ देखिए चाट मसाले को डाल दे रही हूँ, और इसके जगह आप नहीं हैं तो आमचूर भी डाल सकते हो, आमचूर और काला नमक मिक्स करके आप डाल दो उसमें। उसके बाद देखिए, अब इसमें तीखा भी डला गए हैं, खट्टा भी डला गए हैं, चलिए इसमें बटर या घी अब 1/2 चम्मच जैसा डाल दें ज़रूर, और वो नहीं है तब अचार के मसाले इसमें डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं यहाँ घी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जैसा घी है इसको डाल दे रही हूँ। ये गर्म है स्वीट कॉर्न तो ये पिघल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी गर्म रहना चाहिए तब इसमें खाने में स्वाद आएंगे, बहुत अच्छे स्वाद आएंगे। और देखिए, मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच जैसा छिड़क दी हूँ इसमें फ्रेंड्स। ये आप मूवी हॉल के बाहर भी इसे मिलते हैं स्वीट कॉर्न चाट, आजकल बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने यहाँ 1/2 टुकड़ा नींबू है, लगभग 1 चम्मच नींबू का रस इसमें निचोड़ दी हूँ। और ये देखिए, एकदम चटपटा, मुँह में पानी आ रहा है, चटपटा खट्टा ये बन के तैयार है फ्रेंड्स। देखिए, ये स्वीट कॉर्न चाट बन के तैयार है, और देखिए बहुत एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको इवनिंग में या तो फिर आप मॉर्निंग में इसको बना सकते हो, कभी भी इसको पहले आप उबाल के रख लो और कभी भी इसको फ्रिज से निकाल के आप बना दो, और थोड़ी सी गर्म कर लें और उसके बाद इसमें सारे चाट मसाले डाल दें। और देखिए, स्वीट कॉर्न चाट बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरे फेसबुक पेज एम के किचन लिखिएगा।